यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आ गए हैं, क्या नाम है आपका? एहसानुल्लाह अंसारी। क्या होगा इस बार, अभी सरकार दोबारा बनेगी योगी जी की? योगी जी तो जा करके मठ में बैठे हैं, इनका तो काम खत्म हो गया। ये सरकार योगी और मोदी, ये दोनों पूरे देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े मक्कार झूठे हैं, ये कहते हैं कि साइकिल पे बम जाता है। बताइए कि आज साइकिल पे ये बम कहते हैं, महंगाई की बात ही नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते, डीजल पेट्रोल खाने का तेल किस रेट में चल रहा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई 2 साल से कुल बर्बाद, इनकी फीस जमा करा के स्कूल बंद होता है, कॉलेज बंद होता है। अरे महंगाई की बात करिए ना, मुद्दे की बात करिए। अनुराग ठाकुर जैसे जैसे कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर एक कोई मुस्लिम व्यक्ति बोल दे तो उससे कानून लागू होती है। ये आते हैं निकाब पे, ये कभी बात करेंगे जिन्ना पे, कभी बात करेंगे गन्ना पे। जब इलेक्शन आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे मुझको पाकिस्तान से क्या लेना देना, मैं तो भारतीय हूँ, मर के भी अपने भारत में रहता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना है, पाकिस्तान भाड़ में जाए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक जो है आज तक चैनल पे अंजलाम के सब हैं, ये कहती हैं कि मर्यादा की बात है, अनुराग ठाकुर बोले तो मर्यादा नहीं है, मोदी जी को कोई कह दे तो मर्यादा की बात कम नहीं करेंगी, क्योंकि मोदी जी को कहते हैं तो इनको बुरा लगता है। अरे बात करिए ना हमारे बुनकर की, बुनकर इस वक्त कितना परेशान है, बुनकर बिजली के बिल में कर्जदार है, बुनकर की बिल नहीं जमा होती है, इसकी तो कोई बात नहीं करेगा। वैक्सीन की बात करेंगे, बाकी लोग मरीज कहाँ जाते हैं, हार्ट के मरीज कहाँ गए, कैंसर के कहाँ गए, बाकी मरीज कहाँ गए, कोई अस्पताल में दवा नहीं मिलती है फ्री, डॉक्टर सब बाहर की दवा लिखते हैं, बाकी सारी दवा बिक जाती है, डॉक्टर बेच देते हैं, चाहे CMO हो डॉक्टर हो, सरकारी अस्पताल की दवा बिकती है। बुनकर को क्या मिल रहा है, बुनकर का कोई एक भी पूरे हिंदुस्तान में चैनल वाला कोई नाम नहीं लेता है। अंजनाम कश्यप अगर वाकई अगर वो चैनल चलाती हैं तो बुनकरों का नाम लेके बताए, कोई एक भी नेता बुनकर का नाम नहीं लेता है। सिर्फ किसान की बात होती है, मजदूर की बात होती है, बुनकर का कोई नाम ही नहीं। अरे क्या भैया, किन चीज़ों की आवश्यकता है बुनकरों को? अरे बुनकरों को हर चीज़ की भाई, इनके लिए ना कोई कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना स्कूल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। और 5 साल पे लोग चले जाते हैं मऊ में वोट लेने के लिए, मगर बुनकर की समस्या का कोई हल नहीं। पूरे मऊ का बुनकर कर्जदार है, कोई बता दे कि हम कर्जदार नहीं है। सारे नेता जितने हैं सब ये जो है वही लालीपाप देने वाले हैं, चले आते हैं बरसाती में ढक कर के, हमको दीजिए हम ये करेंगे। आलोचना करते कुछ नहीं है, इतनी आलोचना आपने भाजपा की कर दिया, विकल्प कोई नजर आ रहा है? आए कोई नहीं भाई, कोई नहीं, सपा बसपा कोई नहीं, अरे कोई नहीं, किसी की भी सरकार हो बुनकर का कोई फायदा नहीं। बुनकर को क्या मिला, कोई दिया हो तो बता दे कि हम बुनकर को दिए हैं। हाँ ये तो लुभाने के लिए चले आते हैं। यहाँ के MP की हाल वही है, यहाँ के जो है विधायक की हाल वही है। विधायक जी कहते हैं कि भैया मैं तो अपनी कौम के लिए बंदा हूँ, MP कहता है कि मैं अपनी जनता के लिए बंदा हूँ, तो ऐसे आदमी को वोट देने से कौन फायदा है? जो जेल में रहे, दोनों जेल में रहे, तो बुनकर ये कहाँ जाएगा, अपनी समस्या किसके पास लेके जाएगा? इस बार तो उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। अरे उनका बेटा चुनाव लड़े चाहे भाड़ में जाए, हम थोड़ी वोट देने जाने वाले हैं। हाँ नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस को देंगे। हाँ हम कांग्रेस को देंगे। अब पूरे भारत ने अगर लड़ाई लिया है मुसलमानों के साथ में, और हर चीज़ का तो कांग्रेस ने लिया है, बाकी कोई नहीं लिया। हाँ कांग्रेस को आप वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस का जनाधार उतना नजर नहीं। नहीं, जनाधार तो कांग्रेस का नंबर एक पर है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनेगी। हाँ UP में भी और जो है मरकज में भी, दोनों जगह सरकार बनेगी। क्या बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया कि? हाँ ये हमको क्या कहना वाला नहीं है। आगे 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 हमारे प्रवक्ता से मिलिए, आप सुभाषपा से हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार आपके तो प्रत्याशी हैं मुख्तार अंसारी के बेटे? देखिए विरासत चल रही है, मुख्तार तंत्र में विरासत सही? नहीं नहीं नहीं, देखिए मुख्तार ने बहुत सा काम किया है। अगर क्या किया है क्यों बता दें, तमाम निधि का, ये रेलवे ग्राउंड का जो हुआ मुख्तार की निधि से वो पैसा गया, जो रोड चौड़ीकरण हो रहा शहीदी रोड का, ये लोग क्या बताएंगे? ये वो बात करते हैं जिसने कांग्रेस ने वो बीज बेया, इनकी पार्टी वो है 32 साल कांग्रेस बेहाल। कांग्रेस के नेता हैं क्या आप? नहीं नहीं नहीं, निधि से पैसा ये समाज
शहीदी रोड का पचौरी पहले आप जाके भैया पता करिए कि मुख्तार अंसारी के निधि से पैसा गया है कि नहीं। पहले जाके पता करिए आप कि गया है कि नहीं गया है। और आप बाद में गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये साबित कर दे तो मैं जानूं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इनकी राजनीति तो पैसे की है, किसी व्यक्ति की राजनीति थोड़ी है। जो बाबूजी का विरोधी है पुत्र का विरोधी होगा, ये गलत है। जो बाबूजी का विरोधी 30 सालों से जो बाबूजी का विरोधी हो पुत्र का विरोधी होगा। ये हमेशा मुख्तार का विरोध किए हैं और इस धरती पे, और मुख्तार ने काम किया है तो 30 साल का 30 साल से विधायक तो ऐसे ही है नहीं। 30 साल जब जो जो नेता काम किया वही 30 साल तक रहेगा। और रही अब्बास की बात, तो अब्बास तो 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, अम्मा 50,000 वोटों से अब्बास जीत रहे हैं। और ये बता दे समाजवाद और ये गठबंधन जो हुआ है 50,000 वोटों से अब्बास जीत रहे हैं और कोई भी प्रत्याशी उनके मुकाबले में नहीं है। विरोध है कहाँ, कहाँ विरोध है इनका? विरोध तो यही कर रहे हैं। कहाँ विरोध है बता दे, ये तो विरोध 30 साल से कर रहे हैं उस चीज का। अरे झूठ मत बोलिए, 30 साल से बाबूजी का विरोध है। अभी ये विरोध में चाय पिए हैं, विरोध में अभी ये चाय पिए हैं, अभी यहाँ कुछ और अभी झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये आरोप हमेशा लगाते हुआ है और कह रहे हैं कि किसी ने कुछ दिया नहीं। तो बुनकरों को मुलायम सिंह यादव ही नहीं ये दिया था पासबुक, ये पकड़ गया बाबा क्या बचाएंगे, ये पीली पगड़ी बांध करके आ ये दर बदलू है। अरे ये कभी भाजपा में कभी किसी में कभी किसी में, ये बेघर पेनी गलौटा है, ये पेनी गलौटा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे, झूठे हैं। जमीन खसकती हुई नजर आ रही है हमेशा हमेशा के लिए इस मऊ सदर विधानसभा से, तो इनको तकलीफ हो रही है। और ये अभी बहुत से आरोप लेके आएंगे अब्बास के खिलाफ, ऐसे ऐसे आरोप आएंगे मगर इसका असर नहीं पड़ेगा। मऊ सदर विधानसभा की जनता समझ चुकी है कि अब्बास अंसारी को भारी बहुमतों से विधानसभा में भेजा जाए और सबसे ज्यादा वोटों से उत्तर प्रदेश के अंदर जाने वाला ये विधायक अब्बास अंसारी होंगे। क्या कितना मिला है अब्बास अंसारी से पैसा? ये चाचा जो है ये झूठ बोले या सच बोले, एक मिनट, ये दो फैसला हुआ, अभी फैसला हुआ नहीं है। ये आप मान लीजिए आपस में आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, कोई फैसला नहीं, नहीं कोई फैसला नहीं हुआ, उस तरह फैसला नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा फैसला। ये चलिए, तो आपने देखा यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा बसपा तमाम सारे दलों से तमाम सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन अब नतीजों के सामने आने के बाद देखना होगा कि जनता ने आखिर क्या फैसला किया।